हल्द्वानी से खबर, जहां डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। डेंगू से 22 वर्षीय युवती की जान चली गई है। लगातार डेंगू अपने पैर पसारते जा रहा है। मामले आए दिन सामने आ रहे हैं डेंगू के। एक और मरीज की मौत हो गई है। 22 साल की युवती जो कि डेंगू की चपेट में आ गई। इलाज चल रहा था अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान लड़की ने दम तोड़ दिया। आंकड़ा बढ़ गया है अब डेंगू से मौत का। हल्द्वानी से ये खबर दे रहे हैं आपको, जहां डेंगू से एक और मरीज की मौत हो गई है। 22 साल की युवती की मौत डेंगू की वजह से हो गई। कई मरीज लगातार नए सामने आ रहे हैं डेंगू के। दावे और वादे जरूर प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं कि रोकथाम के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर जो तस्वीर है वो नजर इस तरह की नहीं आ रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर विनोद जुड़ गए, हमारे संवाददाता। विनोद, आंकड़े बढ़ रहे हैं मरीजों के और अब एक और मौत हो गई है। देखिए, बिल्कुल डेंगू अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ये कहा था कि जैसे ही मौसम थोड़ा सा ठंडा होगा तो डेंगू कम होगा, लेकिन हालात अभी भी जस के तस है और एक और मौत हो गई है। तो कुल मिला के अब जो डेंगू के पेशेंट का जो आंकड़ा है वो 2500 के आसपास पहुंचने वाला है, यानी हालात अभी भी नियंत्रण में नहीं है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे हैं कि फॉगिंग कराई जा रही है और डेंगू से निपटने के लिए उचित इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन उन दावों को आईना दिखाते आंकड़े हैं कि जो मृतकों की संख्या है वो 17 के आसपास चली गई है और मरीजों की संख्या 2300 के आसपास चली गई है, यानी 2500 का आंकड़ा जल्दी पार कर लेगा डेंगू। तो फिलहाल स्थिति अभी नियंत्रण में नहीं है और अब देखना यही है कि आने वाला जो समय होगा उसमें डेंगू पर काबू पाने में सरकार जो है किस तरह सक्षम हो पाती है। अंजलि, शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए आपका।